बिग बॉस OTT 3 की शुरुआत से ही शिवानी कुमारी लगातार सुर्खियों में बनी है। कभी वो अपनी देसी भाषा की वजह से तो कभी अपनी बुलंद आवाज के लिए वो बिग बॉस के घर में खबरें बना रही है। बहुत से फैंस उन्हें बिग बॉस OTT 2 की कंटेस्टेंट मनीषा रानी से भी कंपेयर कर रहे। दोनों काफी मामलों में एक जैसी लगती भी है। दोनों ने भले ही जिंदगी में काफी संघर्ष किया, बेशक दोनों आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन दोनों में काफी अंतर है। चलिए आपको बताते हैं कि दोनों में क्या कुछ अंतर है। बता दें कि जहां मनीषा रानी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले स्थित सादीपुर गांव में 5 सितंबर 1997 को हुआ था, वहीं शिवानी यूपी के औरैया में एक छोटे से गांव अरियारी की रहने वाली है और उनका जन्म 18 सितंबर 2002 में हुआ था। और शिवानी मनीषा से 5 साल छोटी है। जहाँ इंस्टाग्राम पर आज शिवानी कुमारी के 40 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, वही उनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर 24 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। जबकि मनीषा रानी की बात करें तो इंस्टाग्राम पर उनके कुल 48 लाख फॉलोअर्स हैं, वहीं यूट्यूब पर उनके 40 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। शिवानी ने अपने करियर की शुरुआत साल 2019 में टिकटॉक के जरिए की थी। उनके गांव की देसी भाषा में वीडियो को टिकटॉक पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था, जिससे उन्हें काफी फॉलोअर्स मिले। और जब भारत में टिकटॉक पर बैन लगा तो उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाने शुरू कर दिए और यहाँ पर शिवानी ने अपने डेली का लाइफ स्टाइल दिखाना शुरू किया। कृषि से जुड़ी चीजों को वो अपने ब्लॉग्स में दिखाने लगी, जिन्हें बहुत पसंद किया गया। वहीं मनीषा रानी ने एंटरटेनमेंट जगत में अपना करियर बनाने के लिए शादियों और समारोह में वेट्रेस बैकग्राउंड डांसर के रूप में काम किया और इसके बाद मनीषा ने कोरियोग्राफर के रूप में शुरुआत की। 2015 में मनीषा ने डांस इंडिया डांस शो में हिस्सा लिया, लेकिन वो ऑडिशन राउंड में ही बाहर हो गई थी। 2018 में जब टिकटॉक लॉन्च हुआ तो उन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद मनीषा को टीवी शो गुड़िया के लिए कॉल आया। इसके बाद मनीषा सोशल मीडिया पर बिहारी भाषा में काफी वीडियोज बनाती रही और बिग बॉस में उन्हें बुला लिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मनीषा रानी कुल 1 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। एक महीने में वो 10 से 20 लाख रुपए कमा लेती है। वहीं शिवानी कुमारी की महीने की इनकम करीब 5 से 10 लाख रुपए है। उनकी कुल संपत्ति भी 1 करोड़ रुपए के आसपास है।